सर इस मोबाइलाइजेशन के बारे में क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को, जिनका 72वां जन्मदिन भारत के जन जन में और विश्व के अंदर मनाया जा रहा है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सक्रिय रहें और इसी प्रकार से लोक कल्याण, राष्ट्र रक्षा और समाज के अंदर शांति और सद्भाव लाने में यशस्वी हों। आज पूरे विश्व के अंदर जब यह दिन मनाया जा रहा है, यहाँ ललित कला एकेडमी में एडवोकेट ज्यूरिस्ट आदिश अग्रवाल ने एक बहुत बड़ा और गंभीर प्रयत्न करके सैकड़ों सैकड़ों ऐसे चित्र संग्रह किए हैं जो उनके जन्म से लेकर आज तक की समग्र जीवन यात्रा का दिग्दर्शन कराते हैं। और यह प्रदर्शनी सब देखने के लिए आए, स्कूल कॉलेज के बच्चे भी देखने के लिए आए, ताकि प्रेरणा लेकर वह एक अच्छा जीवन आगे बढ़ने वाला, चुनौतियों पर कैसे नियंत्रण पाना, जीतना और एक सफल जिंदगी जीना, मेरिटोरियस लाइफ जीना, इसका एक दिग्दर्शन उनको मिलेगा। मुझे ये लगता है उन्होंने तो अपना जन्मदिन प्राणी मात्र के लिए समर्पित करके चीता नाम की जो प्रजाति भारत से गायब हो गई थी उनको पुनः भारत में जीवन देने का संकल्प करके लॉन्च किया है। हम सब इससे प्रेरणा लें कि किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी भाषा का हो और किसी भी प्रजाति का हो, सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास, सब में प्यार, इस रूप से भारत को बनाएंगे। भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर दुनिया के जितने भी मत, पंथ, धर्म हैं, केवल उनका सम्मान ही नहीं है, उनको स्वीकार किया गया है। ऐसा और कोई देश नहीं है। दुनिया में गाना भी नहीं बना आज तक, किसी भी कारण से नहीं बना, सारे जहां से अच्छा, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन, अरब, तुर्किस्तान, यूनान, रोम, इटली, फ्रांस, हमारा गाना एक ही बना और गाया गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान सबके लिए सम्मान का और स्वीकार्यता का देश था, है और सदा रहेगा। ऐसा ये बना रहे